हेलो दोस्तों, रेलवे में जो है अप्रेंटिस की कुछ चीज़ें निकली हुई हैं, तो आइए देखते हैं है क्या वो। पहले आप देख लीजिए आराम से। ठीक, आपने देख लिया होगा RRC सेंट्रल रेलवे CR एक्ट अप्रेंटिस रिक्रूटमेंट 2000। ठीक है भाई, ये जो फॉर्म स्टार्ट होगा ऑनलाइन 15/12/2022 से, यानी कि आज से। ठीक है, और इसकी जो लास्ट डेट है वो 15/1/2023 है। ठीक, जनवरी। इसमें जो फीस है जनरल OBC और EWS की 100 रुपया है, SC ST और PH फिजिकल हैंडीकैप्ड की 0 फीस है। एज की बात की जाए तो मिनिमम 15, मैक्सिमम कितनी 24 साल होनी चाहिए। ठीक है, और मुझे लगता है कि अप्रेंटिस आपको कर लेनी चाहिए, कहीं ना कहीं आपको बेनिफिट करेगा। ठीक, अच्छा तो बात कर लेते हैं सेंट्रल रेलवे टोटल पोस्टें कितनी हैं और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रखा गया है। ठीक है, अगर आप भागते हैं मुंबई से, ठीक है, तो मुंबई में 1659, ठीक है, 659 पोस्टें हैं। ठीक, अगर आप भुसवाला से भरते हैं तो 418 पोस्टें हैं। ठीक है, अगर आप पुणे से भरते हैं तो 152 पोस्टें हैं, अगर आप नागपुर से भरते हैं तो 114 पोस्टें हैं, अगर आप सोलापुर से भरते हैं तो 79 पोस्टें हैं। ठीक है, और टोटल है 2422 टोटल पोस्टें हैं। ठीक है, अच्छा जो बात की जाए कि क्या मिनिमम क्वालिफिकेशन रखा जाएगा कि अगर आप ये फॉर्म भरें, तो मिनिमम क्वालिफिकेशन 10th पास आउट होना चाहिए, 10th या इंटर। ठीक है, विथ 50% मार्क एंड ITI सब्जेक्ट। ठीक है, ITI, और वो भी होना किससे चाहिए, NCVT सर्टिफिकेट इन रिलेटेड ट्रेड, मतलब जिससे आप भर रहे हो उससे, उस ट्रेड से आपका होना चाहिए। ठीक है, आगे क्या होगा, अगर आप ये ज्वाइन करते हैं तो एक अग्रीमेंट पे भी साइन करा जाएगा। नेक्स्ट, उसके बाद ट्रेनिंग, जब जितने महीने की आपकी ट्रेनिंग चलेगी उतने महीने तक स्टाइपेंड मिलेगा आपको 7,000 पर मंथ, ये बढ़ता भी है। ठीक है, तो ये बेसिक डिटेल था, ये आप सही से देख लीजिए, बाकी इससे रिलेटेड जो डाउट होगा। ठीक, मैं ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं बनाता हूँ क्योंकि मुझे मालूम है कि जो आपको चाहिए उतना मैंने बता दिया। ठीक है, अब आपको फॉर्म भरना है, बाकी आपको देख लेना कि वो क्वालिफिकेशन मैच हो गई है, आपका विज़न देखेगा। ठीक है, अगर आप PH है तो उससे रिलेटेड सर्टिफिकेट है तो वो आपको मालूम होगा। ठीक है, तो ये सब चीज़ें मैं जब PDF, मेरा जो टेलीग्राम चैनल है स्टूडेंट ऑफ कानपुर, मैं उसमें डाल दूंगा, आप वहाँ से देख के सही से आप पढ़ भी सकते हैं। मैंने बाकी बेसिक जो डिटेल्स थी वो मैंने बता दी है। ठीक है, और बाकी आपको जो हेल्प है मैनुअली वो वहाँ पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो अगर आप इस एलिजिबिलिटी को कंप्लीट कर रहे हैं और फॉर्म भरने के इच्छुक हैं तो इस फॉर्म को जरूर से ज़रूर भर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।